अभी बच्चे इनको सिखा रही है। टेन है। कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम टू कायोटेल्स। और आज हम आए हैं आर्डनवुड फार्म्स में। मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। हम लोग कोशिश करते हैं कि लाइक फार्म एनिमल्स, जू एनिमल्स विच को दिखाते रहें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे सड़क पे तो इजीली डॉग्स और कैट्स के अलावा कुछ दिखता नहीं है, तो उसे वो अच्छे से जान पाए, देख पाए और उसे बहुत मज़ा भी आता है। इसलिए संडे आफ्टरनून है और हम लोग आए हैं यहाँ पर। चलिए जैसे हमने एंटर किया यहाँ पर ट्रेन आ रही थी, तो हमने सोचा था कि सबसे पहले लक ट्राई करते हैं। थोड़ी लंबी लाइन तो है, लेकिन ट्रेन में सीट्स भी हैं। लेट्स सी हमारा नंबर आता है क्या इसमें, नहीं तो पहले के और जाएंगे या फिर इसमें वेट करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। बोर्डिंग शुरू हो गई है, आई होप हमारा नंबर आ जाए। इसे देखिए, ऑलरेडी आगे खड़ा है। ट्रेन आ रही थी तो देख रहा था। मिल गई है हमें सीट। समर्स शुरू हो गए हैं यहाँ पे और पूरा फुल है। सब लोग अपनी छुट्टी अच्छे से मना रहे हैं और लेट्स सी। उसने बोला कि हाफ एन आवर की कुछ राइड है, दिखाती हूँ मैं कुछ आपको बीच में से। आई थिंक वो बोल रहा है कि ये ट्रेन एक्चुअली वुडन ट्रेन है, तो वो बोल रहा है कि यहाँ के जो आपको बड़े बड़े ट्रीज दिख रहे हैं उन्हीं में से लाइक उन्हीं के वुड से ये वुडन ट्रेन बना हुआ है। सो एक्साइटेड। क्या दिख रहा है आपको, क्या है? क्या शीप? शीप कैसे बोलता है? शीप फेस। डेविड कितने शीप्स हैं? 1 2 तो कितनी है? 3 4 5 कितनी है? 6 7 7 शीप्स। नो, कितनी है फिर? कितनी है? 10 है। इधर थोड़ा शीप के आगे आती है कैफे और रेस्टोरेंट्स। इस साइड वो रहा, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ टॉयज भी हैं, वुडन टॉयज फॉर किड्स टू प्ले। बहुत अच्छा सा लग रहा है क्योंकि
दिविज एक्साइटेड हो रहा है. जो बुक वाले एनिमल्स बाहर आ जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना. और धूप है लेकिन फिर भी ना अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है. और हम जिस एरिया में वहाँ पे शीप्स एंड गोट्स हैं और बहुत क्लीन है. और टाइमिंग है 4 o'clock से पहले हमें निकलना है. हम लोग ऑलरेडी थोड़ा लेट ही आए हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. क्या है दिविज? दिविज क्या है ये? क्या है ये? गोट. गोट कैसे बोलते हैं? गोट से आपको पैट करना है. ऐसे गोट को ऐसे पैट करना है. गोट को आ जाओ यहाँ पे. आ जाओ आ जाओ. और ये देखिए मैं जैसे आगे चल के आई, इन्होंने नकली काओ बना रखा है. लेकिन जैसे काओ मिल्क निकालते हैं उस तरीके का पूरा सेटअप है और बच्चे काओ मिल्क निकाल रहे हैं. मैंने तो रियल में भी निकाला हुआ है. अभी दिविज आ गया है. बच्चों को देख के एक्साइटेड हो रहा है. क्या कर रहे हो दिविज? काओ है ना. काओ वो तो पानी के अंदर हाथ घुसा रहा है. देख तो रहा है ऊपर क्या है. अभी उसके पापा भी दूध निकाल रहे हैं. काउ मिल्क. कभी आपने गांव में ट्राई करा है अपने? नहीं. जब मैं छोटी थी ना तो पापा घर पर रैबिट्स लेकर आए थे जो मेरी दादी ने भगा दिए थे. बट हियर दे आर. ये देखा आपने गांव में मेले में उस तरह की स्टिक्स है. बच्चे ट्राई कर रहे हैं बैलेंसिंग. हेलो. अभी बच्चे इनको सिखा रही है. वो भी गिर गई खुद भी. वन लेग टू लेग्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग. उधर वाली बच्ची भी कर रही है देखिए. ओ ये बच्ची फिर से गिर गई. आप कर रहे हो ट्राई? उनसे हो नहीं पाया और मैंने ट्राई नहीं करा. बट आई थिंक ट्राई करना इज मोर बेटर. ये देखो हे से कितना अच्छा इन्होंने बैठने का जगह बनाया हुआ है. ये मेरे पीछे हैंडपम्प. बचपन में कितना मैंने हैंडपम्प का पानी पिया. अलग ही बहुत अच्छा टेस्ट आता था. यहीं के जो शीप्स हैं उनका जो वूल निकल रहा है उससे वूल बना रहे हैं. हेलो करो. हाय. क्या है ये? गिरा. चिकन. बेबी चिकन से उंगली मत करना. ये देखो कितना सुंदर सा ये टर्की बर्ड. अभी हम लोग आए हैं काउस देखने. ये बहुत बड़ी खुली जगह में उन्हें छोड़ा हुआ है खाना खाने के लिए. देखिए वो रही काउ. क्या है देविज? क्या वहाँ पे? काउ. क्या बोलती है काउ? बहुत विजिटर्स ओरिएंटेड है. देखिए कितने अच्छे से रेस्टरूम्स भी बने हुए हैं एकदम नीट एंड क्लीन. और बहुत पीछे बड़ा एरिया है इसका. मैं ऑफकोर्स मतलब पूरा नहीं दिखा सकती हूँ बट बहुत बड़ा एरिया है. बहुत अच्छा है. बहुत अच्छे से बीच में रोड्स बने हुए हैं. ये देखिए ये था हमारा छोटा सा क्यूट सा फार्म विजिट. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. आप दोनों को कैसा लगा? मजा आया. शॉर्ट ट्रिप मतलब. दिविज इज इंटरेस्टेड इन बनाना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस. सी यू अगेन. बाय बाय.